नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं हूं आपके साथ चंदन चौबे। शारदीय नवरात्र प्रकृति संतुलन एवं आस्था का महापर्व है। यह बातें विख्यात चतुर्मुख धाम वैशाली से आचार्य अमीरनाथ मिश्रा बतला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक उत्प्रेरणा का महापर्व शारदीय नवरात्र इस वर्ष राष्ट्र हित में अशुभ है एवं महामारी और अशांति कुव्यवस्था जैसी परिस्थितियों को ला सकता है, क्योंकि माता का आगमन घोरा एवं प्रस्थान भैंसा पर हो रहा है। दुर्गा पूजा के संबंध में अपने विचार को प्रकट करते हुए आचार्य अमीरनाथ मिश्रा ने कहा, चाहे जो हो, परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति युक्त भगवती स्नेहमयी ममतामयी एवं कल्याणकारिणी है। जो लोग भक्ति भावना से समर्पित रहेंगे उन्हें कालचक्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आचार्य श्री ने कहा कि मनुष्य के अबुद्ध एवं समय वही घर में लक्ष्मी रूप में ऐश्वर्य प्रदान करती है और अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। इसलिए इस वर्ष का शारदीय नवरात्र सबके लिए राष्ट्रहित में अत्यावश्यक है। छात्रों के लिए भी, राजनेताओं एवं व्यापारियों के लिए भी माता रानी का उपासना अति आवश्यक है।